हेलो दोस्तों, आज फिटनेस फाइटर चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा दो ब्रिक्स के साथ हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे एंड ये वर्कआउट मेरे देसी भाइयों लोग के लिए है जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है वर्कआउट करने के लिए। उनके लिए मैंने कुछ आइडियाज़ मेरे शेयर किए हुए जिसे मैं खुद करता था जब मैं जिम नहीं जाता था। एंड ये वर्कआउट आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए फील होता है क्योंकि ऐसे माहौल आ गए आज के टाइम पर, लॉकडाउन हो गया है एंड इस टाइम पर मैं वो वर्कआउट कर पा रहा हूँ क्योंकि वो आइडियाज़ मुझे पहले थे एंड मैं वही आइडियाज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एंड ज़रूर आपकी बॉडी बनेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ 100%। तो ये वर्कआउट करना ना भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, नए हो तो। चलते हैं वीडियो के ऊपर। चलते हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज पे शोल्डर की, जो है कि लेटरल रेस। लेटरल रेस में आपको ध्यान देना है, आपको दोनों ईंटों को प्रॉपर पकड़ लेना है एंड थोड़ा आपको हल्का सा एल्बो बेंड करना है एंड लेटरल रेस करना है। 10-15 रैप करिए बिगनर हो तो, और इंटरमीडिएट हो तो 3 सेट कर लेना। चलते हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो है कि रेल डेल्ट फ्लाई। जो आपको कैसे करना है देख सकते हो मेरा पोजिशन, आपको आपका बैक एकदम स्ट्रेट रखना है एंड आपको जैसे आप फ्लाई कर रहे थे वैसे ही करना है। आपको देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको भी। इसे भी आप 10-15 रैप लगाइए। चलते हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे, जो है कि फ्रंट रेस। फ्रंट रेस में आप लोग देख सकते हो कि मैंने दोनों हिट को एक साथ ले लिया है हाथों में, तो फ्रंट रेस कर रहा हूँ। आपको भी वैसे ही सेम लगाना है। अगर आपको सिंगल हैंड करना है तो आप सिंगल हैंड भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको भी। इसे भी आप 10-15 रैप लगाइए। चलते हमारे फोर्थ एक्सरसाइज पे, जो है कि आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस में आपको दोनों ईंटों को आपके चेस्ट के सामने लेकर आना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप पोजीशन में आपको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, देन सेम पोजीशन में आपको आ जाना है। इसे भी आपको 10-15 रैप करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है आपके शोल्डर के लिए, करके देखो फिर ही लाइक ठोकना मुझे एंड कमेंट करके बताना जरूर वर्कआउट कैसा था। चलते हमारे ट्राइसेप्स एक्सरसाइज पे, मैंने ट्राइसेप्स के 4 वर्कआउट्स बताए हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन सिंगल आर्म। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको हाथ पीछे की तरफ लेके जाना है। इतना ध्यान देना है कि आपके सिर में ना लग जाए, इसलिए थोड़े पीछे की तरफ आपको लेके जाना रहेगा। ओवरहेड पुश करना है, देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ एंड इसे भी आपको 10-15 रेप लगाना है। अगर आप बिगिनर हो 2 सेट करिए, अगर इंटरमीडिएट हो 3 सेट जरूर करना एंड ये आपका फेवरेट वर्कआउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना। चलते हमारे सेकेंड वर्कआउट पे, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके अंदर आपको दोनों ईट को एक साथ जोड़ लेना है, देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ एंड सेम वैसे ही करना है जैसे आप वन आर्म कर रहे थे, वैसे ही बोथ हैंड करना है। लेकिन इसमें आपका पोजीशन थोड़ा चेंज है, देख सकते हो। तो इसे भी आप बिगिनर हो तो 2 सेट लगाइए, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो 3 सेट लगाना। कमेंट करके बताओ कि आपको वर्कआउट कैसा लगा। चलते हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे, जो है कि लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो हम डंबल के जगह पे ब्रिक रखे, तो ब्रिक एक्सटेंशन करेंगे। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें भी आपको जरूर ध्यान देना है। हाथों में गैप रखना है, देख सकते हो मेरे हाथों में कैसे गैप है, वैसे गैप रख के आपको करना है एंड जब नीचे जाओगे तो आपको ध्यान देना है आपके सिर पे ना लग जाए, बहुत ही सेफली करना रहेगा आपको। इसे भी अगर आप बिगिनर हो तो 2 सेट लगाइए, अगर इंटरमीडिएट हो 3 सेट लगाना। और हर वर्कआउट के बाद आप 45 सेकंड का रेस्ट ले लेना, नहीं तो आप भी मेरे से आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी हम चलेंगे हमारे ट्राइसेप्स के 4th एक्सरसाइज पे, जो है कि ट्राइसेप किक बैक। इसमें क्या करना है आपको, पोजीशन देख सकते हो मेरा थोड़ा बैंड हो जाना है आपको एंड आपके हाथ को पीछे की तरफ किक बैक करना है। देख सकते हो मैं कैसे इट को लेकर किक बैक कर रहा हूँ एंड ट्राइसेप्स मेरा देख सकते हो कैसे वर्क कर रहा है। तो इसे भी आपको 10-15 रैप करना है। चलते हैं हमारे बैक एक्सरसाइज पे, हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज पैंट ओवर रो। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको परफेक्ट पोजीशन में करना है। आपको अगर पोजीशन आपका गलत रहेगा तो आपको इंजरी हो जाएगी। देख लो पोजीशन मेरा कैसा है, बैक स्ट्रेट रखना है, जरा भी बैंड नहीं ज्यादा। इसे भी आपको 10-15 रैप करना है, 2 सेट लगाइए, अगर इंटरमीडिएट हो तो 3 सेट जरूर लगाना। चलते हैं हमारे बैक के सेकंड वर्कआउट पे, जो है कि सिंगल आर्म रो। देख सकते हो सिंगल आर्म रो में कैसे कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको भी थोड़ा बैंड हो जाना है, क्या हाथ को नी पे रखना है। आर्म रो करना है तो आपको पीछे की तरफ पुल करना है, देख सकते हो मैं कैसे पुल कर रहा हूँ, अल्टरनेट आपको करना रहेगा। इसे भी आपको 10-15 रैप लगाना है। चलते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे, जो है कि
पेंडल रो, आपके बैक को एकदम स्ट्रेट रखना है एंड के दोनों हाथ को पुल करना है बैक की तरफ एकदम स्ट्रेट। इसे भी आपको 10 टू 15 रैप करना रहेगा एंड बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बैक के लिए, पूरा बैक खुल के आएगा आपका। हम करेंगे स्ट्रक्स। स्ट्रक्स कैसे करना है आप देख सकते हो, इसे भी आपको 10 टू 15 रैप करना है। बिगर ट्रेपेजियस वर्क होता है, आपका अच्छा खासा कॉलर दिखना चाहिए आपको, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करना। मेरा तो कॉलर आप देखते ही हो कितना खतरनाक दिखता है, तो आप भी वैसे कॉलर पाना चाहते हो तो वर्कआउट ज़रूर करना। 10 टू 15 रैप आप जब भी ऊपर लेके जाओगे तब आप थोड़ा होल्ड करिए, फिर स्लोली डाउन करना, इसलिए आप जितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना ही आपके ट्रैप पे फील आएगा। चलते हैं हमारे चेस्ट वर्कआउट पे। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लाइन चेस्ट प्रेस। तो आप देख सकते हो मैं लाइन चेस्ट प्रेस कैसे कर रहा हूँ, आपको तो काफ़ी लोग पता है कि चेस्ट प्रेस कैसे करना है, आपको भी यही सेम पोजीशन में करना है। इसे भी आपको 10 टू 15 रैप करना है। कमेंट करके बताओ कि आपको वर्कआउट कैसा लगा। तो अब हमारे चेस्ट फ्लाई पर सो के आपको फ्लाई मूवमेंट करना है दोनों हीट के साथ, देख सकते हो मेरा पोजीशन। इसे भी आप 10 टू 15 रैप लगाइए। चलते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे जो है कि चेस्ट ओवरहेड प्रेस। तो आप देख सकते हो चेस्ट ओवरहेड प्रेस कैसा करना है आपको। आपको दोनों हिट को जोड़ लेना है और ऐसे ही बैक लेके जाना है। आप देख सकते हो मेरा पोजीशन मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही सेम पोजीशन में आपको करना है। इसे भी आप 10 टू 15 रैप करना एंड ज़रूर कमेंट में बताना कि ये वर्कआउट आपको कैसा लगा एंड आपको चेस्ट में फील आया कि नहीं। तो इसे भी 10 टू 15 रैप ज़रूर करना आप। चलते हमारे फोर्थ एक्सरसाइज पे जो है कि चेस्ट प्लेट प्रेस। मतलब प्लेट प्रेस में हम ईट प्रेस करेंगे, इससे आपका इनर चेस्ट वर्क होगा। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, दोनों ईट को जोड़ लिया हो एंड इसे प्रेस कर रहा हूँ कि ज़्यादा हैवी रहेगा तो ही आपके चेस्ट पे फील भी आएगा अच्छा खासा। इसे भी आपको 10 टू 15 रैप करना रहेगा। अगर आपके पास राउंड ईट है या आपके पास या कोई आपके पास प्लेट है तो आप उससे कर सकते हो। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने तो ईट का यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके इनर चेस्ट के लिए। ये वर्कआउट मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए आपके इनर चेस्ट में जो गैप आता है उस कारण ही आता है, ये वर्कआउट करने से ही आता है आपको, तो मिस ना करना। इसे भी आप 10 टू 15 रैप लगाना। चलते हमारे बाइसेप्स की एक्सरसाइज पर। तो हम फर्स्ट वर्कआउट करेंगे बाइसेप कल। तो बाइसेप कल में आपको पोजीशन रखना है, आपके हाथ का सुपाइनेटेड सुपाइनेटेड रख के आपको सिंगल आर्म करना है। आप बोथ हैंड भी कर सकते हो। इसे भी आप 10 टू 15 रैप लगाना। अब चलते हैं हमारे सेकंड वर्कआउट पे जो है कि क्लोज ग्रिप बाइसेप कल। तो आपको क्लोज ग्रिप में आप देख सकते हो मैंने दोनों हिप को क्लोज रख लिया है एंड ज़्यादा वेट मुझे चाहिए करके मैं क्लोज ग्रिप कर रहा हूँ दोनों को साथ में लेकर। इसे भी आप 10 टू 15 रैप लगाना। दोस्तों तो चलते हैं हमारे फोर्थ एक्सरसाइज पे जो है कि प्रीचर कल। दोस्तों ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है प्रीचर कल एंड इसे मैंने अपने दिमाग से सोचकर इस वर्कआउट को करने का सोचा हूँ। इसे कहते हैं जुगाड़, मैंने जुगाड़ किया है ये वर्कआउट करने के लिए। तो ऐसे पोजिशन मेरा देख सकते हो, ऐसे आपको बैठ जाना है, नी पर आपके हाथ रखना है दोनों एंड आपको सुपाइनेटेड पोजिशन में आपको प्रीचर कल करना है। स्लोली अप स्लोली डाउन, इसे आप 10 टू 15 रैप करिए। आपका पोजीशन प्रॉपर रहना चाहिए नहीं तो आपको इंजरी हो जाएगी। चलते हमारे फिफ्थ एक्सरसाइज पर जो है कि कॉन्सेंट्रेशन कर। ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। तो आप देख सकते हो इसे भी कैसे करना है। पोजीशन मेन है, देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम पोजिशन में आपको बैठ जाना है, एकदम आपको कॉन्सेंट्रेट करना है आपके बाइसेप पर और एकदम स्लोली ये वर्कआउट करना रहेगा आपको। इसे भी आप 10 टू 15 रैप लगाना, फिर आप कमेंट में बताना आपको कैसे आपके बाइसेप्स में फील आया। चलते हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज पे जो है कि हम करेंगे स्क्वाट। स्क्वाट बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लेग के लिए एंड इस एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, आपके अंदर अच्छा स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। तो इसलिए मैंने सारे वर्कआउट्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं।
तो ये सारे वर्कआउट ज़रूर करना है। इन कमेंट में बताना आपको कैसा वीडियो लगा, इसे भी आप 10 टू 15 रैप लगाना। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो है कि सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट भी बहुत ही सही एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो मैंने ईट को कैसे पकड़ा है। तो मैंने ज़्यादा वेट के लिए ईट के ऊपर ईट रख दिया है, इसे सेम पोजिशन में आपको पकड़ना है, इसे अभी आपको 10 टू 15 रैप करना है। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स के लिए। चलते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे, जो है कि लंजिस। आपको अल्टरनेट लंजिस करना रहेगा, इसका आपको ध्यान देना रहेगा कि आपका लेग 90 डिग्री जा रहा है कि नहीं। आप जब भी लंजिस करोगे आपको आपके लेग में थोड़ा गैप रखना रहेगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा क्लोज करोगे तो आपके लेग में इंजरी भी आ जाएगी, आप गिर भी सकते हो। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना, इसे अभी आपको 10 टू 15 रैप करना है। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स के लिए। चलते हैं हमारे फोर्थ एक्सरसाइज पे, जो है कि स्टीफ डेडलिफ्ट। स्टीफ डेडलिफ्ट में आपको ध्यान देना है कि आपके नी को एकदम थोड़ा बैंड करना है। देख सकते हो मेरा नी कितना बैंड हो रहा है, थोड़ा ही नी बैंड करना है आपको। जैसे कि आप डेडलिफ्ट करते हो तो वैसे पूरा आप नी को बैंड करते हो, वैसा नहीं करना है आपको इसमें स्टीफ लेग। तो इसे भी आपको 10 टू 15 रैप करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, डेडलिफ्ट। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बैक के लिए, इसके अंदर आपका ओवरऑल बॉडी वर्क होता है जब आप डेडलिफ्ट करते हो। तो डोंट मिस दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को आप कभी मिस ना करना। इसे चाहिए तो आप रोज कर सकते हो यह वर्कआउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी आपको 10 टू 15 रैप लगाना रहेगा। अगर आप डेडलिफ्ट रोज कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्ड हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेग के काफ रेजेस। तो आप काफ रेजेस देख सकते हो कैसे करना है, दोनों ईट को पकड़ लेना है, स्लोली आपको ऊपर की तरफ जाना है, स्लोली डाउन स्क्वीज करके, स्लोली अप स्क्वीज डाउन स्लोली, आपको ऐसे ही आपको 10 टू 15 रैप करना रहेगा। चलते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज पे, फोर आर्म्स के। तो आप देख सकते हो आपको कैसे करना है, आप मेरा पोजीशन देख सकते हो, मेरा हैंड फेसिंग है सुपाइनेटेड, तो आप सुपाइनेटेड रख के आपके नी पर रख कर स्लोली डाउन स्लोली अप आपको करना रहेगा 10 टू 15 रैप। चलते हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज पे, जो है कि आपको न्यूट्रल रखना रहेगा पोजीशन, और आप देख सकते हो मैंने ईट को कैसे स्क्वीज डाउन कर रहा हूँ, अप ऐसे ही स्लोली आपको करना है, इसे भी 10 टू 15 रैप। चलते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे, इसके अंदर आपको डाउनवर्ड रखना है, डाउनवर्ड बोले तो आपको प्रोनेटेड रखना है, और इसे भी आपको सेम पोजीशन में स्लोली अप स्लोली डाउन स्क्वीज करते रहना है 10 टू 15 रैप, दो सेट करिए। चलते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है कि क्रंचीज। आप देख सकते हो कैसे करना है, मैंने वेट को यूज़ किया है इसलिए क्योंकि आपका मसल दिख कर आएगा, तो आपको भी ऐसे ही सेम करना है। अगर आपसे वेट नहीं हो पा रहा है, आप बिगिनर हो, तो आप विदाउट वेट का आप क्रंचीज कर सकते हो, इसे आपको 10 टू 15 रैप इसे भी करना रहेगा। चलते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो है कि लाइंग रिवर्स क्रंच। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ईट को पीछे की तरफ पकड़ा है, इसलिए आपका हाथ उठ ना जाए, और ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्स के लिए। अगर आप वेट रख के भी करना चाहते हो तो आप आपके पैर पर वेट रख सकते हो एंड कर सकते हो, पर इतना ध्यान रहना चाहिए कि आप उसे अच्छे ग्रिप से पकड़े पैर से, नहीं तो आपके फेस पर भी वो गिर सकता है। तो आपको ऐसे ही सेम पोजीशन में करना है 10 टू 15 रैप। अब चलते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे, प्लैंक। प्लैंक कैसे करना है आप देख सकते हो मेरा पोजीशन, आपको सेम पोजीशन में आपको रहना है, और मैंने वेट का यूज़ किया है, तो अगर आपसे प्लैंक ऐसे नहीं हो रहा है तो आप विदाउट वेट करिए। अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा खासा बिल्ड हो गया है तो आप वेट भी रख सकते हो जैसे मैंने रखा है। एंड दोस्तों इसे आप जितना हो सके उतना होल्ड करिए, मैंने तो इसे 45 सेकंड तक होल्ड किया है, आप इसे एक मिनट तक भी होल्ड कर सकते हो, जितना ही टाइम होल्ड करोगे उतना ही आपका कोर स्ट्रांग होगा। तो आप लोग ने वीडियो देख ही लिया होगा, तो काफ़ी मेहनत करके आपके भाई ने बनाया है वीडियो, एंड देखा ही होगा कि कितनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी एक सेट करने में। तो समझो अगर आप इसे तीन सेट करोगे तो आपको कैसा फील होगा, कि बॉडी कितनी अच्छी बन सकती है सोच सकते हो आप। मैंने सारे वर्कआउट्स जो भी मैंने बताए, ये मोटे पतले या जिन्हें मसल बिल्डिंग करना है वेट गेन करना है, सारे लोग ये वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐप्स के वर्कआउट भी डाले हुए, मतलब ओवरऑल फुल बॉडी का वर्कआउट मैंने आप लोगों को बताया है, तो मिस ना करना, पूरा वीडियो देखना है, वर्कआउट को ज़रूर फॉलो करके करते रहिए। जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप ये सारे वर्कआउट करते रहोगे। वीडियो अच्छा ही लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप नए हो तो मेरे चैनल पे
ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते रहोगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी अपडेट्स डालते रहता हूँ अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। तो ऐसे वीडियोज़ मैं अच्छे अच्छे लाते रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।